की कीमत के अर्जुन और मिश्री यानी कि शहजाद और वैभवी। बारी एक और रील जोड़ी की, सिंदूर की कीमत के अर्जुन और मिश्री यानी कि शहजाद और वैभवी। इन्होंने भी सेट पर मनाया करवा चौथ। सीरियल में तो करवा चौथ का सीन जब आएगा तब आएगा, लेकिन सास बहू और बेटियां के लिए इन्होंने करवा चौथ मना लिया। अभी तक तो करवा चौथ का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी हम एक अलग सीक्वेंस में है, इसलिए आप देख सकते हो कि हमने वाइट पहना हुआ है। तो करवा चौथ का तो डेफिनेटली बहुत स्पेशल होगा। हाँ, और जब भी करेंगे धूमधाम से करेंगे। हाँ, आज छोटा मोटा करवा चौथ हो चुका है और हैवी वाला फिर से करेंगे। मैंने तो नहीं किया है। इनके पहले पति के साथ करवा चौथ अच्छा था, फिर दूसरा पति जब आया था तब ठीक ठीक था, तो आप बताइए एक्सपीरियंस तीसरे वाले के साथ। सो मैंने देखा है आसपास की लेडीज़ में कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है करवा चौथ उनके लिए, जो मैरिड स्पेशली न्यूली मैरिड गर्ल्स होती है उनके लिए भी। तो क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ। ऐसा लगता है कि आपके लिए, खास आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और सिर्फ आपकी के लिए कुछ किया जा रहा है। तो एज जितने भी पति हैं, आई एम श्योर वो ये दिन काफ़ी स्पेशल फील करते हैं। मतलब पूरे साल डंडे खा लेंगे, पर ये दिन हमारा है थोड़ा कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसे तो सीक्रेटली हर पत्नी अपने पति के बारे में अच्छा विश ही करते हैं, बस वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, मतलब ऐसे टॉम एंड जेरी वाला पूरा साल भर। पर करवा चौथ मतलब पति वाला दिन होता है। जो पत्नी बोलती है वो हमेशा सही बोलती है। जरूरी नहीं है कि पत्नी ही व्रत रखे। मैंने बहुत से मतलब मेल्स को भी देखा है, आदमी वो भी रखते हैं अपनी वाइफ के लिए कि वो उनकी वाइफ अच्छा हेल्दी रहे और उनकी उम्र लंबी हो। ये साल अर्जुन को भी करवा चौथ का व्रत रखना पड़ेगा, इन शॉर्ट इन्होंने ये बोला है। तो मैं बता दूं कि एक साल हुआ है और हम दोनों एक दूसरे को एक साल से जानते हैं, एक साल के ऊपर हो गया है, तो हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं और ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों हम बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। तो आई थिंक हम लोग ऑफ स्क्रीन ज़्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, इसलिए वो ऑन स्क्रीन भी दिखाई देता है और हम एज लीड्स एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं तो सपोर्ट करती हूँ और अर्जुन भी बहुत सपोर्ट करता है। और अर्जुन हो गया बहुत तारीफ हो गई। बस नहीं, अब इससे ज़्यादा बस यही था जो था, आपने देख लिया, अब क्या बोलूँगा। बट इट्स बिन वन ईयर, एक साल बहुत बहुत अच्छा गया। हम दोनों ने साथ में मिलके सब कुछ देख लिया। आई थिंक आग, धूल, थप्पड़, थाली, फ्रिज में बंद होना, जेसीबी से लटकना, मड के अंदर बंद होना, टैंक के अंदर बंद होना, कुएं में कूदना, बिल्डिंग से लटक जाना, जल जाना, तो हाँ, तो एक साल जितना हमने मेमोरीज और जितना कुछ शेयर किया, आई थिंक वो एक बहुत ही बहुत स्पेशल पैकेज है।